आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महा अध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 6। आज की डेट है 14 अक्टूबर 2020 और ये वर्कशीट नंबर 6 जो है ये है क्लास 6 के लिए और सब्जेक्ट है साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। पिछली हमारी जो वर्कशीट हमने पढ़ी है उसमें भी हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में ही पढ़ा था, ये उसी से कंटिन्यूड वर्कशीट है। आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक हमें दिख रहे हैं, विटामिन और मिनरल्स के बारे में। विटामिन शुरू करते हैं यहां से, विटामिन से। दो नीडेड इन स्मॉल अमाउंट विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग अवर बॉडी हेल्दी। वैसे तो विटामिन हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? हमारी बॉडी को ये हेल्दी रखते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ विटामिन ए बी सी डी एंड ई एंड के। बहुत सारे तरीके के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विच अवर बॉडी नीड्स एंड ईच ऑफ दीज इज फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स एंड हैज अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले फॉर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। ये जो है ये सारे विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं और ये अलग अलग तरीके के खाने में पाए जाते हैं और ये अपना एक अलग अलग रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को फंक्शन करने में। अब हमारे पास एक नीचे टेबल दी गई है, इसमें यहां पर विटामिन नीचे सारे विटामिन लिखे हैं, कहां किस किस चीज से विटामिन ये विटामिन हमें मिलते हैं और इनका काम क्या होता है। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ए जो है वो हमें कैरेट, मैंगो, लिवर, कॉड लिवर ऑयल और बटर, इन सब चीजों से मिलता है। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए कैरेट, कैरेट आपको पता है गाजर, मैंगो मतलब आम, लिवर जो होता है, लिवर का मतलब होता है आपने वो खाया हुआ क्या बोलते हैं इसे, राजमा, राजमा को लिवर बोलते हैं। कॉड लिवर ऑयल होता है एक मछली का, एक तरीके से मछली का ऑयल होता है वो, और बटर, इन सब चीजों से हमें विटामिन ए मिलता है। ये हमारी आंखों के लिए गुड फॉर आईज, हेयर्स एंड स्किन, हमारी आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। इसी तरीके से सारे विटामिन के बारे में लिखा है। विटामिन बी हमें किस चीज से मिलता है? यीस्ट, मीट, फिश, मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल से। ये हमारे किस काम आता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स ग्रोथ, ये हमारी मसल और नर्व्स की ग्रोथ के लिए काम आता है। विटामिन सी, विटामिन सी जो है हमें लेमन, ऑरेंज, आंवला, ग्वावा और टोमेटो से मिलता है। ये हमें किस काम आता है? टीथ एंड गम्स रिमेन्स हेल्दी फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, ये हमारे को जो क्या बोलते हैं बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में मदद करता है और हमारे जो दांत होते हैं और जो गम्स होते हैं मतलब जो दांत और मसूड़ होते हैं उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। विटामिन डी, विटामिन डी किस काम आता है? विटामिन डी जो है उसके सोर्स क्या क्या है? विटामिन डी हमें दूध से, बटर से मतलब मिल्क बटर, कॉड लिवर ऑयल से, एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट का मतलब हो गया धूप से मिलता है, मतलब हम धूप में अगर बाहर निकलते हैं तो धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का काम क्या होता है? विटामिन डी हमारे बोन्स को और दांतों को स्ट्रांग बनाता है बाय यूजिंग कैल्शियम। विटामिन डी जो है कैल्शियम यूज कर, मतलब कैल्शियम ही होता है, विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम जो होता है कैल्शियम हमारी बोन्स को और टीथ को दोनों को स्ट्रांग बनाता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे मिनरल्स की तरफ। यहां पर अब हम यहां आ गए हैं मिनरल्स, मिनरल्स पढ़ेंगे। दीज आर नीडेड, ये ए यहां पर गलत लगा हुआ है, ये दीज लिखा हुआ है। दीज आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत ही कम अमाउंट में। दे हेल्प इन बिल्डिंग अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इन कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। ये हमारी बॉडी को बहुत, मतलब जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनको बिल्डअप करने के लिए हेल्प करता है, जो कि हमारी डेली की लाइफ, डेली जो हमारी लाइफ प्रोसेस है उसमें हेल्प होती है, उसमें हेल्प करता है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट फूड एज वेल एज एनिमल फूड। ये प्लांट फूड मतलब प्लांट से जो खाना मिलता है, जो हमारे प्लांट के थ्रू खाना मिलता है उससे, और जो एनिमल के थ्रू खाना मिलता है उससे, दोनों में होता है। प्लांट अब्सॉर्ब्स मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एनिमल फीड्स ऑन प्लांट्स एंड सो एनिमल्स फूड ऑल्सो कंटेन मिनरल्स। प्लांट जो होता है वो मिनरल्स
सॉइल से लेते हैं, जमीन से अब्जॉर्ब करते हैं, और जो एनिमल होता है वो प्लांट को खाते हैं, तो इसलिए, और उसके बाद एनिमल्स को हम लोग खा लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन होता है तो नॉन वेजिटेरियन में मीट फिश ये सब खाते हैं, तो जो मीट आप खाएंगे तो वो तो घास खाएंगे या कुछ भी खाएंगे या प्लांट्स खाएंगे, तो उसमें जो है मिनरल्स उनकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो वो मिनरल्स हमें इनडायरेक्टली मिनरल्स हमें भी एनिमल फूड के थ्रू मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें वही उसी पिछले विटामिन की टेबल थी, मिनरल्स की टेबल है, मिनरल्स सोर्स और फंक्शन क्या होता है। मिनरल में कैल्शियम, कैल्शियम हमें मिल्क से और ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, ये हमारी बोन्स और टीथ्स को बनाने में हेल्प करता है और हेल्प्स इन ब्लड टू क्लॉट। ब्लड क्लॉट का मतलब होता है, क्लॉट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, मतलब गांठ बन जाना, इकट्ठा हो जाना बोलते हैं, क्लॉटिंग एक तरीके से होती है, क्लॉट मतलब इकट्ठा हो जाना। तो ब्लड को इकट्ठा होने में, से मान लीजिए आपको कोई चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, तो वहां पर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, ज्यादा गहरा अगर कट नहीं है, थोड़ा बहुत चोट लगी है, तो थोड़ी देर बाद वो खून अपने आप अगर निकलने लगा है तो खून बंद हो जाएगा अपने आप, तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, वहां पर ब्लड जो है वहां पर इकट्ठा हो जाता है। कैल्शियम की मात्रा अगर आपकी बॉडी के अंदर है जितना चाहिए होती है उतनी, तो आपको ब्लड को वहीं पर थोड़े बहुत देर बाद बंद कर देगी, वहीं पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है मीट फिश और एग से मिलता है, ये हमारी बोन्स को और टीथ को दोनों को बनाने में, बिल्ड करने में हेल्प करता है। आयरन, आयरन जो होता है वो लिवर, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। लिवर मैंने आपको बताया था, लिवर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं लिवर, मैंने आपको भी विटामिन में बताया था, राजमा को बोलते हैं। और लिवर जो है ये, मतलब ये जो है आयरन जो है ये ब्रेकिंग ब्लड इन द बॉडी, आयरन जो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनाने में काम आता है। आयोडीन, आयोडीन जो है हमें सी फूड मतलब जो हमें खाना समुद्र से मिलता है, मतलब मछलियां इन सब से। और आयोडाइज सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं आयोडाइज सॉल्ट होता है वो, उससे हमें आयोडीन मिलता है और ये हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ, ये हमारी बॉडी को ओवरऑल प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी जो वीडियो है उसमें राइट साइड में नीचे की साइड, आप जहां पर ये बॉक्स मैं बना रहा हूं येलो कलर का, जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स में आपको आपके अपने चैनल महाअध्ययन का लोगो दिख रहा होगा, इस लोगो पे आप क्लिक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हम बनाते हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और आप अपनी जो वर्कशीट है उसको इजीली सॉल्व कर सके हमारी हेल्प के थ्रू। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, अभी हमने पढ़ा था विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग अवर डैश एंड डैश हेल्दी। विटामिन सी हमारी बॉडी में क्या 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 हेल्दी रखता है, टीथ्स एंड गम्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच मिनरल इज फाउंड इन सी फूड। सी फूड से हमें कौन सा मिनरल मिलता है, अभी पढ़ा था हमने, आंसर नंबर 3 है हमारा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन हैविंग कैरेट्स हेल्प इन इंप्रूविंग योर आईसाइट। कैरेट्स खाने से, मतलब गाजर खाने से आपकी आंखें कैसे, आपकी जो आईसाइट, आपकी देखने की जो शक्ति है वो कैसे इंप्रूव हो सकती है। कैरेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए विच इज गुड फॉर अवर आईज। विटामिन, अभी हमने पढ़ा था कि हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों को अच्छा करता है, अच्छा करता है, इसका मतलब हमारी आई साइड जो अगर प्रॉब्लम है हमारी आई साइड में तो उसको इम्प्रूव करता है। और कैरेट जो होता है वो एक विटामिन ए का गुड सोर्स होता है, इसलिए कैरेट हमारी बॉडी में हमारी जो आंखें हैं उनको, उनके आई साइड को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी नीड कैल्शियम। कैल्शियम की जरूरत हमें क्यों होती है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बोन्स को और जो हमारे दांत होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू ईट फिश मीट एंड गुआवास विच आर द विटामिन यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज फूड आइटम्स। अगर हम फिश मीट और गुआवास अगर हम खाते हैं, गुआवा का मतलब होता है अमरूद, अगर हम खाते हैं तो हमें कौन कौन से विटामिन मिलते हैं। हमारा आंसर है विटामिन बी एंड सी।
विटामिन बी हमें मिल जाता है फिश और मीट से, और गुआवा से हमें मिलता है विटामिन सी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को आप मेंशन कर सकते हैं, हम आपका डाउट जितनी जल्दी हो सकेगा उसको क्लियर कर देंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, आपकी वीडियो के राइट साइड में नीचे की साइड आप देखेंगे जहां पर ये येलो बॉक्स बना हुआ है, यहां पर आपका चैनल आपके अपने चैनल महाअध्ययन का लोगो आ रहा होगा, आप प्लीज उस लोगो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी, इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हमारी वीडियोस नई वीडियोस बनेंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।